आज मैं लेके आया हूँ रमजान की एक रेसिपी, पकोड़े की चटनी। पकोड़े रमजान में बने, दस्तरखान पे सजे और चटनी ना हो ऐसा हो नहीं सकता। आज मैं लेके आया हूँ बड़ी मजेदार सी, यूनिक सी, हाजमे वाली चटनी। क्या आप जो कुछ खाएंगे सब हजम हो जाएगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। हमने एक प्याली तकरीबन 50 से 60 ग्राम इमली ली है। इमली का पल्प निकाल लेंगे सबसे पहले। बिस्मिल्लाह, मैंने 2-3 घंटे पहले भिगो दी थी। इसका पल्प आसानी से निकल जाता है इस तरह। यह बना लें आप इस तरह पे, इसको छन्नी से छान लें। ये एक प्याली ली हमने, इसमें छन्नी लेंगे और इमली को इसमें छान लेंगे। हमने पल्प छान लिया है, उस पल्प को हम प्याली में निकाल लेते हैं। इमली का टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा हमारी चटनी में। मैंने ये 2 अदद टमाटर लिए हुए हैं, थोड़े ज़्यादा टमाटर आप चटनी के लिहाज से लेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रहेंगे। तो आपने ये डंठल जो है ये इसका निकाल देंगे, तो प्याली में डालते जाएंगे। आपके पास अगर सख्त टमाटर नहीं है तो आप तैयार लाल टमाटर भी ले सकते हैं। ये एक प्याली टमाटर हो गया, 50 ग्राम के करीब इमली का पल्प हो गया, थोड़े हरा धनिया लिया है मैंने, एक प्याली मैंने पुदीना लिया है। पुदीना हमने थोड़ा ज़्यादा रखा है क्योंकि हम रमज़ान के हिसाब से बना रहे हैं, जो भी खाएँ तो सब चीज़ें हजम हो जाएँ। 3 अदद मैंने ये हरी मिर्चें ली हैं, 4 अदद मैंने लाल मिर्चें ली हैं, 4 अदद लहसुन लिए, लहसुन भी हमारे निज़ाम हाजमा को बेहतर करेगा। और ज़ीरा, जीरा भी आपको पता ही, जैसे निज़ाम हाजमा के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ये मैंने लिया है 1/2 चम्मच खाने का आमचूर। आमचूर और इमली दोनों खट्टी होती है लेकिन इसका अलग अपना जायका है और आमचूर का अलग। जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं ये एक अलग ही टेस्ट बनाती हैं। मैं जग लूँगा एक, ये सब चीज़ें मैं जग में डाल दूंगा। सबसे पहले मैं लूँगा टमाटर, इसमें लहसुन लूँ, टमाटर के बाद मैं लूँगा इमली का पल्प, पल्प इसमें डालूंगा। फिर लूँगा पुदीने के पत्ते, पुदीने के पत्ते मैंने हरा धनिया के पत्तों से ज़्यादा लिए हैं, हरा धनिया मैंने लिया खुशबू के लिए। ये जो मसाले थे ये मसाले मैं इसमें डालूंगा, और थोड़ा सा मैंने नमक भी लिया है, नमक आप हसबे जायका ले सकते हैं। एक प्याली मैंने पानी लिया है, पानी डालेंगे, ब्लेंड कर देता हूँ। ये बात, हमारी चटनी बनके तैयार हो गई है। तकरीबन हम मैंने इसको जग को 3 मिनट के करीब मैंने चलाया है और 3 मिनट में हमारी चटनी बिल्कुल यकजान हो गई। अब इसको एक बर्तन में निकाल लेता हूँ, चटनी निकाल लेता हूँ एक प्याली में। देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है, खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। इसमें मैं तकरीबन 1/4 चम्मच चाय का चीनी ऐड कर रहा हूँ। उसमें चीनी जो है समझ लें ये एक जादू है, ये टेस्ट को इन्हेंस करती है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप ना डालें, लेकिन मेरे कहने पर थोड़ी सी चटनी में आप अलग थोड़ी सी चीनी मिला के खाएंगे तो आपको इस चटनी का मज़ा अलग ही लेवल का आएगा। ये सीक्रेट होता है, जो बाजार की चटनी होती है उसमें चीनी डलती है। हमारी चटनी बनके तैयार हो चुकी है, मैं थोड़ा सा चख के बताता हूँ कैसी बनी है। इसको थोड़ी सी रोटी से खाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर मज़ा आ गया, आप यकीन करें बहुत ही लाजवाब चटनी बनी है। ये जो मेरा मेजरमेंट है इस वक्त जो चटनी बनी है ये बहुत ही क्लास की और बैलेंस बनी है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे इतना प्यार देते हैं। खुश रहें, खाते पीते रहें, शाद रहें, आबाद रहें। मुझे दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।